हम एक ऐसी जगह आए हैं जो 5 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलेगा, और मैंने सुना कि आप इस 5 रुपए में आप दे रहे हैं सबको खाने के लिए, क्या सच है? मतलब हाँ, ये भर पेट खाना दे रहे हो, आप देख सकते हैं, आप दिखा सकते हो, हम 5 रुपए में सब पेट भर खाना दे रहे हैं। चावल कड़ी यहाँ पर मिल रही है, आप देख सकते हैं 450 लोगों के लिए यहाँ पे खाना पकाया जा रहा है। 450 लोग क्या आते हैं आपके पास रायपुर पे? सर, हमारे 1 घंटे के अंदर खाना खत्म हो जाता है। 1 घंटे के अंदर खाना खत्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक भट्ट स्वागत करता हूँ अपने चैनल देहरादून से पर, और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि हम आज एक ऐसी जगह आए हैं देहरादून की जहाँ पर सिर्फ 5 रुपए में आपको खाने के लिए मिलने वाला है। 5 रुपए में आपको शायद ही देहरादून में कहीं कुछ खाने के लिए मिलता होगा, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जो 5 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलेगा। पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, ये है रायपुर चौक, हम इसको कहते हैं, पीपल का पेड़ है और ये मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, और यहाँ पर आज 5 रुपए का खाना मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी कहानी। भैया नमस्कार, क्या क्या मिल रहा है खाने के लिए आज यहाँ पे? खड़े चावल। और मैंने सुना कि आप इस 5 रुपए में आप दे रहे हैं सबको खाने के लिए, क्या सच है? मतलब हाँ, ये भर पेट खाना दे रहे हो, आप देख सकते हैं, आप दिखा सकते हो, हम 5 रुपए में सब पेट भर खाना दे रहे हैं। पेट भर खाना मतलब सहयोग राशि है, सहयोग राशि है, हम काटते भी नहीं थे, पैसे डालनी है। ठीक है, सहयोग राशि है यहाँ पर, आप पे कितने भी रुपए आप डाल सकते हैं, वैसे 5 रुपए में मिनिमम आप ले सकते हैं, और बल्कि फ्री में भी, अगर पैसे नहीं है तो फ्री है, फ्री है बिल्कुल। तो देखिए भैया, ये है, और शनिवार और इतवार को यहाँ पे लगाया जाता है ये खाने का, 12 से 2 बजे तक लगभग। और आप देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे इस वक्त इकट्ठे हो रखे हैं। भैया मेरे को भी थोड़ा सा टेस्ट करवा दो आप, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, देखते हैं 5 रुपए में क्या स्वाद मिलने वाला है यहाँ पे। और हाइजीन का बिल्कुल ख्याल रखा गया है, आप देख सकते हैं सर पे कैप लगी है। ये है 5 रुपए में भर पेट, ये देखिए मैंने थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए ले रहा हूँ। चावल कड़ी यहाँ पर मिल रही है, टेस्ट करके बताते हैं आप लोगों को, वाकई दमदार टेस्ट है। और कड़ी जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाई गई है, सारे के सारे मसाले इसमें यूज हुए हैं, मेथी, आपकी भुनी हुई मिर्च और तेज पत्ता, जितने भी मसाले हैं सारे के सारे इसमें यूज हुए हैं और बहुत टेस्टी हो रहा है। एक बार आप आके ज़रूर ट्राई करें, और हर दिन कुछ ना कुछ नया यहाँ पे बनता है, लेकिन फ़िलहाल शनिवार और इतवार को ही सिर्फ यहाँ पर खाना मिलने वाला है। क्या ये पूरी कहानी है इसके बारे में भी हम जानेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाने वाला हूँ जो देहरादून के अंदर सिर्फ 5 रुपए में लोगों को खाना खिला रहे हैं। ज़्यादा देरी ना करते लोगों को ले चलता हूँ उन लोगों के पास जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम जानना चाहूँगा। मैं ओम मासू, वेदम रमेश मिश्रा। आप तीनों से सवाल करना चाहूँगा, सबसे पहले देहरादून के अंदर 5 रुपए में खाना पहली बार सुनने के लिए मिल रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे इनिशिएटिव क्या है आपका, ये जानना चाहूँगा सबसे पहले। हमारे मन में ऐसा विचार आया था कि कुछ ऐसी जनसेवा की जाए जिससे गरीब लोगों को या ऐसे लोगों को जो अपने लिए भोजन नहीं प्राप्त कर पाते तो उनके लिए भोजन बनाया जाए, बोलता था। तो कम से कम कीमत पे 5 रुपए में हमने योगदान राशि है, सहयोग राशि रख के, और 500 रुपए में हमने भोजन का शुरुआत की। और सर 5 रुपए हमने इसलिए रखा हुआ है जिससे कि किसी को ये ना लगे कि हम बिना पैसे खा रहे हैं, मतलब आए और अपना खाएं 5 रुपए में, कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं है। और 5 रुपए सर हम कैश नहीं पकड़ते हैं, हम दान पेटी में डलवाते हैं, दान पेटी में डलवाते हैं, इसके पास है ठीक है, दें, नहीं है तो फ्री खाएं। अच्छा, तो मतलब फ्री में भी खाना अवेलेबल है आपके यहाँ? सर फ्री भी, वहाँ फिर अभी तो लोग फ्री खा रहे हैं उसमें भी, मतलब हम कैश नहीं काटते हैं उसमें। क्यों 5 रुपए में, मतलब खुद को नुकसान करने वाली बात होती है कहीं ना कहीं, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, नुकसान तो क्या बोले, आप लोगों का सहयोग और भाई लोगों का योगदान, और कई दान पुरुष ऐसे हैं जो हमें, अभी आपने देखा होगा कोई 5 किलो चावल लेके आया, कोई कुछ लेके आया, जितना हो सके लोग देते हैं, उसके ऊपर हम अपने आप में तीनों भाई कुछ ना कुछ मिला के, वो एक दिन का, जैसे शनिवार इतवार हम सोचते थे कि हम हमेशा पूरे हफ्ते लगाएं, बट हमारे पास इतना गुंजाइश नहीं था, थोड़ा बहुत हम अपने आप ही करके आप लोगों के सहयोग से हम इसे शनिवार इतवार चला रहे हैं। हम सोचते लोगों का योगदान मिले, हमारे थोड़े आय के साधन बने, तो हम इसे पूरे हफ्ते चलाने के सहयोग करें। ये देखिए कड़ी तैयार हो रही है आज, और लगभग तैयार हो ही चुकी है कड़ी। कितना वक्त और लगेगा इसको बनने में? पौना एक घंटा। ठीक है, और फाइनली हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है, और उसके ऊपर डल रही है कस्तूरी मेथी। तो करीबन कितने लोगों के लिए खाना बनाते हैं आप? सर हम डेली कम से कम 450-350 के आसपास। 450 लोगों के लिए? 350-450। आप देख सकते हैं 450 लोगों के लिए यहाँ पे खाना पकाया जा रहा है, आज चावल कड़ी बनने वाली है। 450 लोग क्या आते हैं आपके पास रायपुर पे? सर हमारे 1 घंटे के अंदर खाना खत्म हो जाता है। 1 घंटे के अंदर खाना खत्म हो जाता है, 5 रुपए में देहरादून के अंदर खाना मिल रहा है, और गरीबों की सेवा भी यहाँ पर हो रही है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक बहुत हेल्पफुल इनिशिएटिव है। मैं जानना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं लोगों का सहयोग, किस तरीके से लोग आपको सहयोग कर सकते हैं ये भी मैं जानना चाहूंगा, आप बताइए जरा।
सर हमारा ये है कि हमारा पैसों से कोई सहयोग का वो नहीं है, ठीक है। जिसको दाल देनी है, चावल देना है या तेल हुआ, जिसका जिसका जो बनता है सर, हमारा वो ईएमएल जिसका जो बने वो दे सकता है। मतलब आपको राशन अवेलेबल करा दे कोई? हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप पैसे वगैरह नहीं? पैसे से हमें कोई मतलब नहीं। कोई चावल, जैसे आज भी मैंने आपको बताया कोई चावल लिया है, कोई दाल लिया है, इस तरीके से अगर कोई भी हमें कुछ भी लेके दे, हम उसे आगे तक प्रोवाइड कर सकें। तो ठीक है, मैं भैया का नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप अगर कुछ सेवा करना चाहें या कोई राशन देना चाहें तो सीधा आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भैया अपना एक बार नाम फिर से बता दीजिएगा। मेरा नाम है रमेश मिश्रा। ठीक है, रमेश मिश्रा जी।